हेलो फ्रेंड्स, आज हम कनाडा की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने अराइव कैन ऐप डाउनलोड नहीं की हुई है तो प्लीज़ इसे डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको जो भी कनाडा ट्रैवल की लेटेस्ट अपडेट्स हैं, इंफॉर्मेशन है जो कनाडा में इंटर करने के लिए आपको चाहिए, वो आपको मिल सके। और प्लीज़ आप अलर्ट रहें, क्योंकि जो प्ले स्टोर है, जो ऐप स्टोर है, उस पे कुछ वेब पेजेस ऐप्स हैं जो कि बिल्कुल अराइव कैन ऐप्स की तरह ही हैं। सो आप उनसे सुचेत रहें, अलर्ट रहें। आपको अराइव कैन टोटली फ्री है, सिक्योर है। सो अगर आपको कोई ऐप अराइव कैन की तरह ही पेमेंट करने के लिए दिखे तो वो फेक हो सकती है। सो आप देखें कि उसका जो लोगो है इस तरह से होगा कुछ, तो ये वाला लोगो है, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स न्यूज़ है कनाडा ट्रैवल की वो आपको मिल सके। ये आईफोन और एंड्रॉयड किसी पे भी आप डाउनलोड कर सकते। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है वो कनाडा ट्रैवल को लेके है। कनाडा गवर्नमेंट ने कोविड को बढ़ने से रोकने के लिए कुछ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। सो उन्होंने वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस एक्सटेंड कर दिया। इसका पीरियड जो है एक्सटेंड कर दिया है नेक्स्ट मंथ, यानी कि जून 21 तक। सो उन्होंने बोला है कि ट्रैवल कंटिन्यूज टू बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम ऑल द कंट्रीज इंक्लूडिंग US थ्रू टू जून 21। जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ को लेके है। जैसे कि इसी साल फेब 13, 2021 को एक एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ निकाला गया था, जिसका CRS कट ऑफ स्कोर जस्ट 75 था, जो कि एक हिस्ट्री बन चुका था। सो लेटेस्ट अभी जो रिसेंटली कल मई 20 को कनाडा ने एक बार फिर एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ निकाला है, जिसका जो CRS स्कोर ड्रॉप टू 397। जो इसका CRS स्कोर था वो 397 था, और ये एक सरप्राइजिंग ड्रॉ था। और इसमें क्या है, उन्होंने जो एलिजिबल कैंडिडेट से 1842 उनको इनविटेशन भेजा है पीयर अप्लाई करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।